हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल प्रियंका जैन किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे होली पर एक मीठी सी रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड ली है। अब हम इसको रफली तोड़ लेते हैं और इसको बारीक पीस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने ब्रेड ली थी पीसने के लिए वो अच्छे से पीसकर तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हम गैस ऑन करके कोई भी कढ़ाई या पैन रख देंगे और गरम होने पर ये ब्रेड क्रम्स डाल देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। भूनने से क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी मिठाई की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। आप 5 से 6 दिन तक फ्रिज में रखकर आप इस मिठाई को आराम से खा सकते हो। और इसको बहुत ज्यादा भी नहीं भूनना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट में ही ये भूनकर तैयार हो जाएगी। और आप इसको धीमी गैस पर ही भूनिए, वरना ये बहुत हल्का होता है और जल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्रेड क्रम्स अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। और अगर आप इसमें घी डालना चाहते हो तो घी भी डाल सकते हो। इस स्टेज पर आप इसमें 1 से 2 चम्मच घी डालिए और इसको भून लीजिए। अब हम गैस बंद करते हैं और इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हमने इसी कढ़ाई को साफ कर लिया है और इस कढ़ाई में मैं 1/2 लीटर के करीब दूध डाल रही हूँ। दूध डाल करके इसको भी हम बहुत अच्छे से पकाएंगे। और अब इसमें मैं 1/2 कटोरी से थोड़ी ज्यादा चीनी डाल रही हूँ। इन दोनों को हमें अच्छे से मिलाना है। और अगर आप दूध का कम इस्तेमाल करना चाहते हो और आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप ऐसा करिए फ्रेंड्स, आप 1 गिलास दूध लीजिए और 1/2 कप मिल्क पाउडर लीजिए और इन दोनों को आपस में मिलाकर इसका एक थोड़ा मावा तैयार कर लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ दूध से ही बना रही हूँ। आप देखना, होली पर आप ये मिठाई बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी और कितनी झटपट घर की ही चीजों से बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें ना घी की जरूरत है, ना किसी ड्राई फ्रूट की जरूरत है, ना मावे की जरूरत है। सिर्फ 2 गिलास दूध से ही आपकी ये मिठाई बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध काफी गाढ़ा हो गया है और इसको गाढ़ा करने में मुझे पूरे 10 मिनट का समय लगा है। और अगर आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करोगे तो आपका समय काफी बच जाएगा, तो आपको इतना समय नहीं लगेगा फ्रेंड्स। क्योंकि हम ये वाली मिठाई होली के लिए बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर 1 पिंच फूड कलर डालूंगी। और फ्रेंड्स, आपकी मर्जी है, आपका मन हो डाले, और अगर नहीं मन है तो मत डाले, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल नन्हा सा ही फूड कलर लिया है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लिया है। और अब हम इसको अच्छे से चला देंगे जिससे इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा कलर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें सारी पिसी हुई ब्रेड को डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। दूध भी अच्छे से मिक्स हो गई है ब्रेड क्रम्स के अंदर। बस अब हम इसको सिर्फ 2 मिनट ही पकाएंगे जिससे हम अपनी मिठाई को एक अच्छी शेप दे सके। देखिए फ्रेंड्स, ये भूनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिठाई का मिश्रण एकदम से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे प्लेट में जमा कर बर्फी की शेप में भी काट सकते हो या पेड़ा, लड्डू कुछ भी बना सकते हो। तो चलो आइए बनाते हैं एक नई सी शेप। ये देखिए फ्रेंड्स, होली के लिए हमारी हरी भरी मिठाई बनकर तैयार हो गई है और मैंने इस मिठाई को हार्ट शेप देने की कोशिश की है। आप भी अपनी पसंद के अनुसार कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय, हैप्पी होली।